क्या आपने कभी चना चाट के ठेले पर इतना ज्यादा रश देखा है? अगर नहीं तो पाकिस्तान चौक पर इकबाल की 50 साल कदीम चना चाट खाने आ जाएं। यहाँ चनों का बहुत बड़ा पतीला मिनटों में ही खत्म हो जाता है, जिसे हर थोड़ी देर बाद भर दिया जाता है और इसी वजह से इसे छूमंतर चाट भी कहा जाता है। लोगों का बहुत ज्यादा रश होने की वजह से इस ठेले पर 4 से 5 लोग बयक वक्त काम करते हैं और कुछ लोगों को ट्रैफिक बहाल रखने के काम पर भी लगाया जाता है। यहाँ सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि साल भर इसी तरह रश मौजूद होता है। इकबाल चना चाट की प्लेट आप 80 रुपए और पार्सल 160 रुपए में खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान चौक के मशहूर इकबाल के चने, और इसको छूमंतर चने भी कहा जाता है, और वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चना चाट जो है वो घंटों में ख़त्म हो जाती है, यानी छूमंतर करके ये चाट ख़त्म हो जाती है, इसी वजह से इसको छूमंतर भी कहा जाता है। और ये कोई 50 साल से तकरीबन यहाँ पर ये चाट इसी तरह लग रही है। पहले जो साहब लगाते थे अब उनके साहब ज़्यादा लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा रश आप जो देख रहे हैं पीछे, एक तो रमज़ान की वजह से और रमज़ान के अलावा भी आम दिनों में भी ये चाट इसी तरह यहाँ पर आपको इसी तरह रश मिलता है। तो हम चल के देखते हैं इसके क्या प्राइस होने वाले हैं और जो भी इसका सारा सीन है, अब आएगा मज़ा। ये चने जा रहे हैं बहुत सारे, और जब चाट ख़त्म हो जाएगी तो यही चने हाथ के हाथ इनकी चाट बना दी जाएगी। ये मुसलसल लोग आए जा रहे हैं, आकर इनकी चना चाट खरीद कर जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, और यहाँ पर हमेशा इसी तरह रश होता है रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पतीला है और ये इसमें चने आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद चने आते हैं इसमें डाल दिए जाते हैं। मज़ीद चने आ गए हैं और उस पतीले में ये चने मज़ीद डाल दिए गए हैं। अब मेरे पास जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर रश में इतना जाके खड़ा हूँ, इसलिए मैंने एक ऊंची जगह देख ली है और मैं वहाँ खड़ा हो गया। मज़ीद चने आते हैं, ये चने ख़त्म हो जाएंगे तो मज़ीद चने आएंगे और उनको इस बड़े से पतीले में डाल दिया जाएगा, और ये लोग आते जा रहे हैं और ये हाथ के हाथ चने ख़त्म होते जा रहे हैं। छूमंतर चाट इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो रश आप देख सकते हैं, मेरे पास खड़े होने की जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर कहीं करीब हो के मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं बहुत दूर खड़ा हूं, और रश आप खुद देख सकते हैं यहां पर कितने ज़्यादा लोगों का रश है। मेरे सामने 2-3 पतीले मेरे सामने खाली हो चुके हैं और आकर उन्हीं को रिफ़िल किया गया है, चाट उन्हीं पतीलों में डाली गई है। लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और मैं आपको ठीक तरीके से अगर बताऊँ तो मैं अगर सच कहूँ तो मैं ठीक तरीके से शूट भी नहीं कर पा रहा, मुझे धक्के वगैरह भी लग रहे हैं। और यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि बहुत साल से यहाँ पर ये चना चाट लेके जा रहे हैं, काफ़ी पुराने इनके कस्टमर्स हैं, और रश देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई इनकी जो क्वालिटी है या इनके जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। मेरा रोज़ा है, मैं इस वजह से ट्राई नहीं कर सकता और मैं ठीक से आपको बता नहीं सकता, लेकिन रश देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि रश देख के ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ कुछ तो बात है इनकी चना चाट में। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और ये चाट का नाम है इकबाल छोले वाले, आजकल नेट पे चल रहे हैं छूमंतर चने वाले। इसको हो गया तकरीबन 50 साल के करीब हो गए ना, ये वालिद साहब के टाइम से स्टार्ट है ये काम ना। हमारा रेट 80 की प्लेट है, अभी जो पार्सल चल रहा है वो 160 का चल रहा है, उसमें 2 प्लेटें होती है, सारी चीज़ें चटनी मसाला सब अलग होता है। रमज़ान की टाइमिंग है हमारी 3 बजे से लेके 6:30 बस, रमज़ान के अलावा 7:30 बजे तक 3 बजे ही लगाते हैं ना, हमारी टाइम 3 बजे लगाने की है। इसमें बस सारे जो भी है होममेड चीज़ें अपने हाथ से बनी हुई है, बाज़ार से कोई चीज़ परचेस नहीं करते हैं जी। बहुत मज़े के होते हैं छोले, और मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, 3-4 साल से आ रहा हूँ, तो काफ़ी रश होता है, बहुत मैं डिफेंस से आता हूँ, बहुत दूर से आता हूँ, बहुत मज़े के होते हैं, मुनासिब रेट जी जी बहुत। अच्छा, आम रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी ऐसे रश होता है? हाँ जी, बहुत रश होता है इस टाइम, और इस टाइम भी आप देख रहे हैं कि कितना रश, बहुत ज़्यादा रश है। प्राइस बहुत मुनासिब है, 160 रुपए के डबल में। मैं यहाँ 4 साल से आ रहा हूँ, बला के 4 साल से इसी रश है यहाँ पर, तो मेरे घर वालों को भी यही पसंद है, फैमिली को भी, होल फैमिली, टेस्ट वगैरह है सुपर, अच्छा बहुत अच्छा। और आपकी रिहाइश क्या है? मेरी लियारी में। लियारी से यहाँ पर आप? लियारी से मैं यहाँ ये लेने के लिए आता हूँ, फिर अभी जाऊँगा घर। यार इकबाल छोले वाले बस बहुत अरसे से नाम सुना हुआ है, मशहूर भी है, सालों से खा रहे हैं ऑफिस से डेली वापसी में, डेली तो नहीं खैर हफ्ते में मगर 2 से 3 बार
घर के घर वालों की बेगम की फरमाइश आई जाती है कि कुछ लेके आए तो फिर आ जाते हैं, खानदानी क्वालिटी है इनकी तो। हाँ भाई, ये पाकिस्तान चौक में आ रहे पोल्ट्री के छोले सुभान भाई के, माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से चल रहे, बड़े मज़ेदार छोले और माशाल्लाह रमज़ान का महीने, वक्त भी अच्छा गुजर रहा है। और बाकी आप देख रहे हो इस जहाज का सूरत हाल, आप देख रहे हो इस जगह का नज़ारा है, माशाल्लाह से लोग आ रहे जा रहे, काफ़ी रश लगा होता है और रमज़ान का महीने बाबरकत महीने। प्राइस वगैरह तो इसका फ़िलहाल महंगाई बहुत है प्राइस के लिहाज से, तो माशाल्लाह फ़िलहाल 180 का मिलता था और अभी 160 रुपये का मिल रहे, प्राइस तो हर जगह महंगाई हो गई है। बाकी अल्लाह रहम करे, रमज़ान का महीने गुजर रहे वक्त। तो ये है यहाँ की इकबाल चना चाट, जिसको छू मंतर चाट भी कहा जाता है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसकी मेकिंग वगैरह सारा अच्छा सा दिखा दूँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई, रश बहुत ज़्यादा है, धक्के लग रहे हैं खड़े होने पर, तो मैं प्रॉपर तरीके से मैं इसको शूट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक स्पॉट दिखा दिया है कि ये चीज़ है, आप यहाँ पर आके इसको ट्राई कर सकते हैं। और रमज़ान में जो मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ होंगी वो ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी ही होंगी कि मैं उनमें आपको स्पॉट दिखाऊंगा, क्योंकि रोज़ा होता है तो रोज़े में फूड रिव्यू तो नहीं दिया जा सकता, हाँ ये ज़रूर बताया जा सकता है कि भाई ये चीज़ें इन स्पॉट्स पर मिलती हैं, आपको यही चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप आकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये है पाकिस्तान चौक पर, आप किसी से भी पूछेंगे कोई भी आपको यहाँ पर आसानी से ला सकता है पाकिस्तान चौक पर। और बाकी इसकी टाइमिंग वगैरह आपने देख ली है, इनके प्राइस वगैरह जो हैं वो आपने देख ली हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।